लोकसभा चुनाव में छिड़ी जंग के बीच मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अचानक बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया। अभी तो पिछले साल दिसंबर में ही बसपा सुप्रीमो ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। फिर लोकसभा चुनाव के बीच अचानक मायावती ने अपना फैसला वापस क्यों ले लिया? हालांकि उन्होंने अपने फैसले के पीछे वजह बताते हुए कहा कि आकाश आनंद को पूर्ण मैच्योरिटी आने तक दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए माननीय श्री काशीराम जी व मैंने खुद अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी पोस्ट में आगे उन्होंने लिखा कि इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण मैच्योरिटी आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। पोस्ट में बीएसपी चीफ ने कहा है कि आकाश के पिता आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारियां पहले की तरह ही निभाते रहेंगे, अतः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारवा को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।